अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी अपने जो स्वॉट एनालिसिस का एक बॉक्स बनाइएगा, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ एक जगह पे स्ट्रेंथ सारी चीजें लिखें। एक ये सर लिखने का आंसर है, सॉरी लिखने कहाँ पर है? लिखने कहाँ पे, क्या मतलब किसी अपने पेपर पे, पेपर पे अपने अपने आप को लिखना। ठीक। जब आपने स्ट्रेंथ अपनी लिखने तो मुझे बताइएगा। जी ठीक अब स्ट्रेंथ आपने लिख लिया वकास, तो नाउ आप उसकी अपनी वीकनेसेस लिखें। वीकनेसेस जब आपने वीकनेसेस कर ली है तो अपनी अपॉर्चुनिटीज भी लिखिएगा और फिर जो थ्रेट्स हैं वो लिखिएगा। में मतलब क्या लिखना होगा, कुछ थोड़ा सा मुझे एग्जांपल देंगे? अपॉर्चुनिटीज के मुराद है कि जिस फील्ड में आप रहते हो, ठीक है, जो आपकी जॉब है उस फील्ड में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। आप टीचिंग करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। आप इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, ये भी आपकी एक अपॉर्चुनिटी है। आप इस करंट जिस फील्ड के अंदर आप एक्सेल करना चाह रहे हो वो एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे अगर मैं उसको लीड करना चाह रहा हूँ, ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी ये भी आपकी एक ये भी एक अपॉर्चुनिटी। आप उस अपॉर्चुनिटी को आपके सेंस अवेल करना चाह रहे हो, ये भी एक अपॉर्चुनिटी। अब मुश्किलात जो थ्रेट्स क्या हैं, उन चीज़ों को कुछ करने में आपको क्या मुश्किलात क्या नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू गो एब्रॉड है, ठीक है, तो आपको क्या क्या मुश्किल आ सकती हैं, रिस्क फैक्टर क्या है आपके। सही। वो ये सारी ये एक्सटर्नल चीजें, आपकी इंटरनल चीजें अगर आपने लिखनी है, अब ये एक्सटर्नल चीजों पे लिखें। ठीक।
जी ठीक है, मैंने लिख ली है अनफॉर्चुनेटली। अब आपने थ्रेड्स भी लिखी है, आपने अपने वो मुश्किलात, हाँ मुश्किलात जो खतरा जैसे कहते हैं वो लिखनी है आपने। जी वो मूवी हो गया, चले लिख लिया आप। अच्छा अब आप मुझे एक पहला पॉइंट स्ट्रेंथ का बताइएगा। जी इंटीग्रिटी। ओके नाउ अपॉर्चुनिटीज का एक पहला पॉइंट बताएं। टू लीड अ प्रोजेक्ट। अब इंटीग्रेट को और लीड अ प्रोजेक्ट को जरा एक पॉइंट को एक सेंटेंस में बनाओ। टू लीड द प्रोजेक्ट विद द इंटीग्रिटी। अब ये जो आपने जो स्टेटमेंट बोली ये आपकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज की स्ट्रेटेजी मेक हुई है। सही बात समझ आई। ठीक है ठीक है। इसी तरह आपका जो इंटीग्रेट का जो स्ट्रेंथ का पॉइंट है, अपॉर्चुनिटीज का दूसरा लेना डेडिकेशन। डेडिकेशन अब इंटीग्रेट और डेडिकेशन को स्टेटमेंट फॉर्म बनाओ। इंटीग्रिटी और डेडिकेशन को स्टेटमेंट में फॉर्म बनाओ, मतलब स्टेटमेंट सेंटेंस बनाओ। टू लीड द प्रोजेक्ट विद फुल डेडिकेशन, टू लीड द प्रोजेक्ट विद इंटीग्रिटी। राइट। अब ये जो आपने स्ट्रेटजी में बनाई है, जो सेंटेंसेस बनाए, ये आपको स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को स्ट्रॉन्गर करती, मींस कि जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आपने स्ट्रेंथ की तरफ लेकर जा रहे हो। ठीक है ठीक है। अब आप इसी तरह इंटीग्रेट, आपने स्ट्रेंथ का पहला पॉइंट लिया, अब इसी तरह अब जो थ्रेट या डिफिकल्टीज आ रही हैं उसका पहला पॉइंट लो। थ्रेट का पहला पॉइंट क्या आपका? वीकनेस का, थ्रेट का, थ्रेट थ्रेट का खतरा ये के मतलब टू कम्युनिकेट द पार्टी और एचओडी। अब के इंटीग्रेट को उस जुमले के साथ जरा सेंटेंस बनाओ। टू कम्युनिकेट विद द एचओडी और अदर पार्टी विद इंटीग्रिटी। और इसको बेहतर करो। We can communicate with the. We can communicate. अब ये जो sentence है, ठीक है, आप ये strength और threat का sentence है, ठीक है? ये आपकी जो खतरा या जो threat है, उसको आप convert करो किसमें? Strength के अंदर। ये strength मतलब threat नहीं हो रहा है ये। वो ये आप थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो हो जाएगा, नहीं हो रहा तो थोड़े से सेंटेंस फॉर्म करोगे या वर्डिंग को चेंज करोगे तो हो जाएगा। लेकिन कहने से मुराद है कि दिस इज द हाउ यू लिंक द वन स्ट्रेटजी मेकिंग, राइट? इसी तरह अब आपका वीकनेस का पहला पॉइंट बताएं। वीकनेस का है कि स्टार्ट एंड इनिशिएट न्यू जॉब, मतलब कोई भी चीज स्टार्ट करनी हो उसमें डिफिकल्टी होती है, ये तुम्हारी वीकनेस है। जी मतलब कोई भी अगर नई जॉब है जो मैंने पहले नहीं की है उसको हाँ। एक डर खौफ होता है, मतलब कि नए काम से पता नहीं कर भी पाऊंगा या नहीं कर। जी जी अब अपॉर्चुनिटीज का पहला पॉइंट पकड़ो। टू लीड द प्रोजेक्ट। अब इस सेंटेंस वीकनेस को और अपॉर्चुनिटीज के सेंटेंस को बनाओ। Fear of an initiate new job opportunities है जी। आप इसको जरा meet a project difficulty आती है to lead a new project। ठीक है अब जरा strength का threat का बताओ। weakness का पहला point और थ्रेट का पहला पॉइंट। डिफिकल्टी फेसिंग द डिफिकल्टीज विद द कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन विथ विथ HOD। अब इसको जरा रिफ्रेश करो आसान लफ्जों में अपने आप से, अपने आप से समझा दो इसको, जरा सोचो कि यार ये बात जो मैंने लिखी है क्या ये वैलिड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने सही चीज लिखी है, क्या ये मेरी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? ये सही है, बिल्कुल वीकनेस है, ये वीकनेस है। तो इसको आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हो, मतलब अपॉर्चुनिटीज में देखते हो? अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाऊं। तो उसके ऊपर वर्किंग करोगे? वर्किंग करनी पड़ेगी जी। ठीक है, यू नीड टू टॉक, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू डिलीवर वन थिंग, या आपने किस तरह से अपनी बात समझानी है दूसरे बंदे। ठीक है, आपको काम जरूर आता है, यू आर बेसिकली इंजीनियरिंग, मैंने देखा है कि टेक्निकल चीजें होती हैं, आप लोग जरा हार्ड स्किल्स के ऊपर ज्यादा अपनी महारत हासिल करते हो, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है इन एनी टर्म्स। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स है ना, बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन इज वन पार्ट, बट उसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन दूसरे बंदे के साथ आप किस तरह से कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं, तो ये हम स्किल आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यार ये किस बंदे को क्या स्किल रिक्वायर्ड है, ये किस चीज़ की हमें ट्रेनिंग करवानी है, क्या वो वेदर इट इज इंटरनली और एक्सटर्नली। एक इंटरनली से मुराद वो चीज़ होती है कि यार ट्रेनर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में वो ट्रेनर्स हायर होते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनर्स हायर होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि वो ट्रेनर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड होते हैं, तो जो भी न्यू बैच आते हैं उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत नहीं होती उनको, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बाहर से ट्रेनर को बुलवाते हैं, ट्रेन करवाते हैं या वर्कशॉप करवाते हैं, अल्लाफिज करते हैं, अल्लाफिज से मुराद है कि कंडक्ट हुआ, कंक्लूजन हुई, ड्रॉबैक हुआ, फीडबैक फॉर्म फिल आउट हुआ और डिलीवर हो गया। लेकिन उसका जो रिजल्ट है हमेशा बाज याद रखना है, जिंदगी के अंदर जो कुछ आज आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको 6 से 8 महीने के बाद ऐसा नजर आना शुरू होता है। एंड यू हैव टू वर्किंग, अगर आप काम करते रहोगे तो आपको उसका रिजल्ट आना शुरू होता है। इफ यू स्टार्ट स्टार्टिंग कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इसके सेशन अटेंड करते रहोगे, सुनते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के सेंस में अपनी प्रैक्टिकल जॉब के अंदर अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, आपकी टीम के साथ, अपने टीम लोगों की बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करके उनके से उनकी बात करना, उनसे कम्युनिकेशन करना। अब जो मुझे ये नहीं पता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइनीज लोग बैठते हैं या नहीं बैठते, अगर बैठते हैं तो उनका बिहेवियर नोट करो, वो काम किस तरह से कहते हैं कि मांगते हैं आपसे, ठीक है, वो किस टाइप की कम्युनिकेशन वो करते हैं, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू ये अंडरस्टैंड करोगे तो कम्युनिकेशन के अंदर खुद ही आना शुरू हो जाता है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स खुद ही डेवलप होना शुरू। सर चाइनीज से तो कम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों को समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं तकरीबन 5-6 साल से चाइनीज के साथ ही हूँ और चाइना में ही रहा हूँ, तो चाइनीज की जो साइकी है वो मैं काफी हद तक समझ चुका हूँ, ठीक है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी भाई है ना उनकी साइकी समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्या मसला, ये आपका लैंग्वेज बैरियर है। जी जी जी, ठीक है, अब उस लैंग्वेज के लिए या तो आप उस माहौल के अंदर अपने आप को डालो, ठीक है, ये आपकी एक वीकनेस है कि लैंग्वेज बैरियर है, सही, ठीक है, नाउ इसको अपॉर्चुनिटी में डालो और उस अपॉर्चुनिटी के अंदर डाल के उसको स्ट्रेंथ अपनी बनाओ। सही सही, आई होप कि आपको ये आगे जाके वर्किंग जब ऐसा ऐसा ये करोगे तो सलूशन जरूर मिलेगा, लेकिन हमेशा बात रखो कि यू हैव टू डू नॉट मी। स्ट्रक्चर कहते हैं ना, बुनियाद डालने के लिए तो पक्की करोगे तो बुनियाद किसने डालनी, वो तुमने डालनी। ठीक जी सर, आपने ये अच्छा जो मतलब ये बताया कि इसको किस तरह से जो है वो अपने अपॉर्चुनिटी को और स्ट्रेंथ को किस तरह से मैच करना है। ये मैंने पहली मतलब सिखाई ये चीज जो है ना। गुड,
अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपनी परफॉर्मेंस को एक वैल्यूएट करना हो या अपने काम को वैल्यूएट करना हो, आपके सामने स्लाइड शेयर नजर आ रही होगी 6 स्टेप्स के अंदर। जी जी जी, ठीक है। अब बिजनेस क्या है आपका? इंजीनियरिंग है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं एक मुझे जरा स्पेसिफाई करो कि किस फील्ड के अंदर है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किस साइड की? मरीन इंजीनियरिंग, मरीन साइड पे। मरीन नेवी साइड पे इंजीनियरिंग है, रोड साइड पे किस? सिविल इंजीनियरिंग है। जो ये पोर्ट्स होती हैं, कैपिटी हो गई, पोर्ट कासिम, गवादर पोर्ट। ओके, मतलब पोर्ट इंजीनियरिंग मैं कहूँगा, ठीक है। मैं थोड़े से आसान लब्जों में समझाने के लिए मैं ठीक ठीक है। अब उसका एक मिशन होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कि आपने अच्छी पोर्ट बनानी, अच्छी डिलीवरेंस देनी, और ये आपका मिशन भी और ये आपका काम भी है, राइट? क्योंकि बहुत से पोर्ट शिप्स वगैरह आएंगे आपके साथ, आपके पोर्ट पे लगेंगे, आपकी इनकम होगी, और डेफिनेटली उस पोर्ट की इनकम होगी तो वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, ठीक है। एंड रिजल्ट ये कि सर्विस आप लोगों ने अच्छी प्रोवाइड करनी इन टर्म्स ऑफ जो फैसिलिट करना है पोर्ट पे, राइट? आपने जब परफॉर्म करना है तो उस पोर्ट के ऊपर उसकी जो पोर्ट की हदूद है वो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है या इंटरनल चीज़ें आपकी। एक्सटर्नल क्या है? कस्टमर ने आने, आपके पोर्ट पे लगने, उसकी शिप में लगनी है, जो चीज़ें उतरनी, ऑफलोड होना है, लोडिंग एंड अनलोडिंग होनी है, जो कुछ भी चीज़ें कह दूँ, ठीक है। वो तमाम चीज़ें आपको, वो जो सर्विस या वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। देन आपकी गोल सेट होता है कि यार मेरा मिशन क्या है, मैंने डिलीवर क्या करना है और मैं कहाँ तक अपने आप को पहुँचना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव क्या यार ये मेरा जो पोर्ट है बेस्ट ऑफ टॉप 5 के अंदर, इस तरह से वो आपको मिशन आपकी एक्टिविटी के अंदर नजर आनी चाहिए। अब छोटी सी मिसाल है आपकी, एक वीक पॉइंट से ले रहा हूँ मैं, जिसमें से लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। ये आप उसके ऊपर वर्किंग करो, ठीक है, और उस वर्किंग की यार मुझे अंडरस्टैंड करना है यार ये मेरी प्रॉब्लम आ रही है, मैं लोगों को किस तरह से समझाऊँ या मैं उनकी बात को कैसे समझूँ, ठीक है। तो आप क्या करो कि उनके अंदर घुस, उनके अंदर अपने आप को मिंगल करना शुरू करो, उनके साथ उठना बैठना शुरू करो, उनकी अंडरस्टैंडिंग करो, उनसे सवालात कर सकते हो, या तुम्हारे ख्याल से ये चीज़ मेरी नज़र में तो ये हो सकता है, तुम्हारे ख्याल से क्या हो सकता है, उसको अंडरस्टैंडिंग या उसका पार्ट बनाना शुरू करो। जब पार्ट बनाना शुरू करोगे तो फिर इवेंचुअली जो आपका जो आपकी मेहनत है, अगर आप 60% लगा रहे हो, वो 60 नहीं उससे 30% लगेगा, बाकी 60% वो खुद लगा रहा होगा। तो ऑपोजिट आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है इस दौरान के अंदर जब आप गोल्स को अचीव कर रहे हो तो थ्रू योर एम्प्लॉइज, ठीक है। तमाम फिर जब आप एक्टिविटीज़ बनाते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, स्ट्रैटेजी को वर्कआउट करते हो, बाद में हमेशा बात याद रखना कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस वैल्यूएट होती है, एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस वैल्यूएट होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं यार इतने साल के बाद आपको ये सैलरी मिलेगी या ये वर्थफुल होगी, तो डेफिनेटली उस परफॉर्मेंस के थ्रू आप उसको वैल्यूएट करते हो, स्कोर कार्डिंग के थ्रू करते हो। स्कोर कार्ड के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट ब्रैकेट सेट होते हैं, सेट किए होते हैं कि यार ये मेरे 10 सवालात हैं, फॉर एग्जाम्पल टीम वर्क से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, अटेंडेंस से रिलेटेड है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और उसका बिहेवियर से रिलेटेड है। ये तमाम चीज़ें उसको आप एक रेटिंग करते हो 1 से लेकर 10 तक। अब 10 इज 10 इज वेरी हाईएस्ट एंड 1 इज वेरी लोअर, ठीक है। अब उसको रेटिंग करते हो 100 या 80 जो भी आपका स्टैंडर्ड है स्कोर कार्ड का, वो मार्क्स देके उसके फिर एक ग्रेड सेट होता है जिसे हम यूनिवर्सिटी के अंदर